प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आपको दी हुई ईश्वर के द्वारा हर योग्यता का फायदा है। आवाज़ दी है तो उसका फायदा है, आपको विचार शक्ति दी है तो उसका फायदा है, कर्म करने की शक्ति दी है तो उसका फायदा है, हर चीज़ का फायदा है। कोई भी आपको शरीर या बाहर कोई भी चीज़ आपको प्राप्त हुई है वो अन्यथा नहीं हुई है, वेस्ट नहीं है, सब चीज़ काम की है, पर उसका सही समय पर सही सदुपयोग अगर होता है तो मतलब उसके जैसा सुखी करने वाला और कोई समय नहीं होता। जिस समय आप सही समय पर अपनी आवाज़ का, सही समय पर अपने कर्म का, सही समय पर अपनी दृष्टि का, सही समय पर अपने आसपास लोगों का, सही समय पर अपने शरीर का उपयोग जहाँ पर किया जा सकना चाहिए वो अगर आप करते हो तो आप अपने समय को सबसे श्रेष्ठ बना लेते, सबसे उत्तम बना लेते। इसीलिए वो सद्बुद्धि सत्संग से आती है कि कब क्या और कैसे करना चाहिए। इसीलिए सत्संग और भगवान नाम जब बहुत ज़रूरी है, मन स्थिर रहता है, सत्संग से समझ बढ़ती है, समझ खुलती है। संपदा में, विपदा में, विपत्तियों में, आपत्तियों में, दुख में, सुख में, संसार का बहुत बड़ा हुद्दा मिल जाए या बहुत बड़ा ऐश्वर्य मिल जाए, तिरस्कार और अपमान की नीचे से नीचे गति हो जाए, तब भी हमारी ईश्वर के प्रति और धर्म के प्रति आस्था अगर नहीं हिलती है तो परमात्मा तीनों काल और चारों अवस्था में अपने आप को आपकी झोली में डालने के लिए तत्पर है। कुछ भी हो जाए, विपत्ति आ जाए, ये संसार का नियम है कि संपत्ति के बाद विपत्ति आती है, संपदा के बाद आपदा आती है, सब एक दूसरे के पीछे रहते हैं। आप अगर अभी बहुत खुश हो तो ये ज़्यादा खुशी लंबा समय नहीं चलेगी, इसके बाद ही आप किसी न किसी बात से चिंतित ज़रूर होने वाले हैं, ये एक दूसरे के पीछे है ना। जैसे मैरी गो राउंड होता है ना, तो मैरी गो राउंड का जो एक बॉक्स है वो नीचे आएगा तभी वो पहले वाला पहली जगह पर लेगा, फिर वो नीचे आएगा तभी वो दूसरा उसकी जगह पर आएगा। तो ये ऐसे ही सुख दुख के बॉक्स है, वो एक नीचे आता है तभी दूसरा उसकी जगह लेता है, फिर वो नीचे आता है तभी दूसरा उसकी जगह लेता है। तो आपदा, विपदा, संपदा, तिरस्कार, सम्मान, नफरत और प्रेम, ये साथ साथ चलने वाले अंधेरे और छाया और प्रकाश की तरह, प्रकाश और संध्या की तरह, तो इसका दुख नहीं करना चाहिए। अगर फिर कुछ आता है तो वापस वैसी स्थिति आती है कि जब हम फिर से ऊपर उठते हैं। पर आपदा आए या संपदा आए, नफरत हो या प्यार हो, समाज में तिरस्कार हो या बहुत ज़्यादा सम्मान हो, किसी भी स्थिति में हमारा चित्त और हमारी वृत्ति सत्य से, ईश्वर की आस्था से अगर नहीं दिखती है तो दिल खोल कर परमात्मा अपने आप को देता है, और जब वो अपने आप को देने में आता है तो किसी बात की कमी नहीं रहती है ना। इसीलिए आप धर्म पर चले और सत्य के पक्ष में रहें, चाहे कुछ भी स्थिति आ जाए फिर भी विचलित न होने वाला व्यक्ति परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है, अविचल पद को प्राप्त होता है। हमारे सामने ऐसे कई महापुरुष हैं जो कई विपत्तियों से गुजरते हैं, कई आपदाओं का सामना करते हैं, फिर भी उनका चित्त प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास धर्म का बल होता है, और जिसके पास धर्म का बल होता है उस व्यक्ति को कभी किसी बात की कमी नहीं होती, वो परम संतुष्ट है। अगर उसके सामने पूरा संसार उसका विरोधी हो जाए, तलवार लेकर खड़ा हो जाए, फिर भी वो अपने आप में निश्चिंत होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शेर के समान बल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास परमात्मा का बल। तो जहाँ परमात्मा का बल होता है वहाँ सबका बल फीका पड़ जाता है। तो आप उस असीम बल के साथ रहे। वो कब हो सकता है? तभी हो सकता है कि जब आप सत्य और धर्म के पक्ष में लगे रहे, बने रहे। आप विचलित, अभी हमारी स्थिति क्या होती है कि अगर हम हमें कुछ अच्छा मिलता है तब तो हमारी श्रद्धा, हमारे धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा हमारी टिकी हुई है,
थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारी श्रद्धा पर आँच आने लगती है, हमारे भाव खत्म होने लगते हैं, हमें ये लगता है हमने क्या पाया, हम क्यों चल रहे हैं। तो ये रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है, ये सौदेबाजी का रास्ता संसार में चलता है और समर्पण का रास्ता परमात्मा के वहाँ चलता है। आपको अच्छा मिलता है कि बुरा मिलता है फिर भी आप लगे रहो, मान मिलता है कि अपमान मिलता है परवाह मत करो, विपत्ति आती है कि संपदा मिलती है परवाह मत करो, तो आप निश्चित ही आप विजयी हो जाएंगे। शेर जिस दिन ये सोचने लग जाए ना कि पूरे वन में मेरे अधिकतर दुश्मन हैं, उस दिन वो शेर नहीं है। सारा वन उसका दुश्मन है कि नहीं है? सारे वन के प्राणी उसके दुश्मन है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। फिर भी शेर आराम से सोता है, क्यों? उसको अपने साहस का बल है, उसके पास वो बल है, उसका इनर पावर है, उसको मालूम है कि मैं जहाँ कदम रखूंगा वहां चाहे मैं कितने भी शत्रु हों भाग खड़े होंगे। तो आपके पास वो धर्म के शेर का बल हो, परमात्मा के शेर का बल हो, तब फिर कितनी भी विपदा आती है आप जहाँ कदम रखोगे उसे कटाई छटाई करनी है। तो साहस एक बहुत बड़ी चीज़ है, साहस आत्मबल, जिसका आत्मबल बहुत ज़्यादा विकसित है वो बहुत ज़्यादा समर्थ है, उसके सामर्थ्य का था पाना मुश्किल है। वो केवल धरती पर चलता फिरता मानव नहीं है, वो ईश्वर की निर्विकता के साथ अटखेलियाँ करने वाला वो महामानव है जिसके लिए परमात्मा और प्रकृति को काम करना पड़ता है। इसलिए आत्मबल का विकास होना चाहिए, छोटी 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 आपदा विपदा विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, वो तो आती है जाती है, एक बॉक्स नीचे होता है तभी दूसरा बॉक्स वो जगह लेता है और तभी उस मैरी गो राउंड का मज़ा है। आप मैरी गो राउंड में क्यों बैठते हैं? एक जगह बॉक्स में बैठने के लिए थोड़ी बैठते। तो अगर जीवन में ऊपर नीचे होता है तो रोना क्यों? आप मैरी गो राउंड में तो बड़ा अच्छे से ऊपर नीचे होते, ये भी एक ऊपर नीचे होने का आनंद है, उसका मजा लो। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो, सुख आए तो बांटो, दुख आए तो अधिक जप अधिक प्रार्थना अधिक आस्था रख के उसका भी सदुपयोग करो, तो कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं करेगी। ये जीवन का सार है, ठीक है? चलिए, जीवन में उतर जाए दो शब्द तो ही बहुत है, पर एक बात को पकड़ के चल लो कि कुछ भी हो जाए आस्था और श्रद्धा धर्म के प्रति रुचि आपकी कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए, फिर आप जीत गए।